अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने वालों, आपको ज़ुबैर का सलाम। व्यूअर्स, ये ब्लैक पापलेट है, खड़ा हुआ है, तकरीबन 3 किलो का ये दाना है। और व्यूअर्स, इसका गोश्त वाइट है, इसमें एक कांटा है। और टॉप ग्रेडेड मछलियों में ब्लैक पापलेट भी शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी वेस्टेज 15% है, यानी बहुत कम जिनकी वेस्टेज है उसमें ब्लैक पापलेट, वाइट पापलेट शामिल है। इसका मुंह बिल्कुल छोटा होता है, आप देखें, बिल्कुल छोटा है। तो ये मछली अगर आपको थोड़ी महंगी भी मिलेगी तो, लेकिन इसकी वेस्टेज के हिसाब से ये सब तकरीबन तमाम मछलियों से बेहतर है। लेकिन बिकॉज इसका रेट जो है ना ऊपर चला गया है, ये जब से ये क्राइसिस आया था हवा का, अभी फिशरी में इसके बिकॉज 1200-1300 से कम में ये नहीं देते। हालांकि जब ये 15 दिन महीना क्राइसिस आया था तो इस 1000 में मिल जाता था, अभी 1200-1300 से कम में फिशरी में ये नहीं देते, ए ग्रेड का माल। स्ट्रॉन्ग टेस्ट है इसका, मेरी पसंदीदा मछलियों में ये भी है लिस्ट में, ब्लैक पापलेट। हालांकि वाइट पापलेट जो है वो खूबसूरत है, उसका भी अच्छा जायका है, वो एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसके मुकाबले में ब्लैक द बेस्ट। मछलियों की तादाद फिशरी में आना होना शुरू हो गई है और नॉर्मल हो रही है। दोथर मछली का रेट नीचे आ गया है, ए ग्रेड का जो 1200 रुपये पे चला गया था, 1200-1300, 1000 और 1000 के अंदर आ गया है। सुरमई मछली का रेट भी व्यूअर नीचे आ गया है, तकरीबन 1200 रुपये पे आ गया है फिशरी में ए ग्रेड की। और थोड़ी बी ग्रेड की अगर आप लेंगे तो आपको 900-1000 रुपये पे मिल जाएगी। इस तरीके से तकरीबन मछलियों में आपको ब्लैक कुंद आपको मिल जाएगी 400 से लेकर 450 के दरमियान, क्वालिटी वाइज, मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी की होगी तो 450 तक मिल जाएगी, और थोड़ी क्वालिटी 19-20 होगी तो 450 तक भी मिल जाएगी। इसी तरीके से तकरीबन मछलियों में कुछ ना कुछ कमी आ गई है, 20%-25%। हीरा मछली में भी बस कमी नहीं आ रही है, उसकी वजह ये कि हीरा कम आ रहा है मार्केट में, बहुत कम आ रहा है। अब भी इसके किलो वाले, 2 किलो वाले दानों के 1400-1500 से कम नहीं मांग रहे फिशरी में, जो इसके गोल्डन पीस कहलाते हैं। बाकी असल यही होता है कि बंदा खुद आता है तो अपनी जितनी आपके अंदर है बार्गेनिंग करने की सलाहियत। लेकिन व्यूअर्स, फिशरी में ये होता है कि ये होलसेल मार्केट है और यहाँ पे पूरा पूरा लार्ज लोग ले जाते हैं ना, दुकान वाले। अब आम आदमी बेचारा लेता है 2 किलो 1 किलो, तो उसकी वजह से उसको बेनिफिट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, इसीलिए वो कोशिश करता है मैं दुकान से ही परचेज कर लूँ। क्योंकि दुकान वाले जो आते हैं, जो सेल करते हैं, तो पूरा लाट का सौदा कर लेते हैं, उसमें ये उनको बेनिफिट होता है और उनको रियायत भी मिल जाती है। 1-2 किलो वाले, 2-4 किलो वालों को रियायत नहीं मिलती है। ये गिव अवे का जो मैंने ऐलान किया था, ये पहली बार एक पंजाब से किसी का नाम निकला है। जो लास्ट कुरानदाजी मैंने की थी, ओकाड़ा से किसी का निकला था, उन्होंने मुझे रब्ता किया, बताया मैं ओकाड़ा में हूँ, तो बोला ज़ुबैर भाई मछली कैसे भेजेंगे। तो बिकॉज मैंने इनको कहा कि भाई मछली तो मैं कराची में भिजवा सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे मज़ीद 5-7 किलो और मछली का आर्डर दे दिया और डिलीवरी चार्जेस उन्होंने कहा मैं भेज दूँगा। तो ये पहली बार इंशाल्लाह ये मछली मैं पंजाब भेजूँगा गिव अवे में, जिसका नाम आया था लास्ट कुरानदाजी में। उम्मीद है व्यूअर्स ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके
और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, अपडेट्स से भी अपडेट्स रहें और मछलियों के मुतल्लिक भी आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। अल्लाह हाफिज़।